वचनों के लिए। कृपया अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद स्वरूप शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे मित्र भाई रघुवर दास जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सुदर्शन भगत जी, जयंत सिन्हा जी, राज्य सरकार में मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा की कर्मभूमि जोहार, हजारीबाग के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पहले भी हजारीबाग आया हूं, आप बहुत बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने भी नहीं आते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि हर बार पहले की रैली का रिकॉर्ड टूट जाता है। आज मैं देख रहा हूं जिन्होंने मंच बनाया सोचा होगा कि इस तरफ बना लें ताकि भरा हुआ देखें, लेकिन उस तरफ इससे भी ज्यादा लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, इतने प्यार से आशीर्वाद देना, हमें आपके लिए दिन रात दौड़ने की ताकत देता है, आपके लिए काम करने की ताकत देता है। झारखंड की धरती क्रांति की धरती है, क्रांति वीरों की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा की अगुवाई में चली आजादी की लड़ाई या फिर सत्याग्रह का संकल्प, इस धरती ने अनेक सेनानी दिए हैं, क्रांति वीर दिए हैं। मैं धरती के सपूत शहीद विजय सोरेन को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गुमला में मौजूद उनके परिवार को हृदय से नमन करता हूं। उनके बच्चे बड़ी बहादुरी से इस समय का सामना कर रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र के नाते हर कदम पर, हर स्तर पर एक अभिभावक के रूप में हमें उनके परिवारों की देखभाल करनी है। साथियों, आज मैं यहां झारखंड के विकास के लिए बीते 4.5 वर्षों से जो काम किया जा रहा है उसको और गति देने के लिए आया हूं। मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने वाली पाइपलाइन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण से यहां मूलभूत सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत मिलने वाली है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। मैं यहां के हजारों किसानों को भी बधाई देता हूं
जिनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकारी सहायता दी गई है। साथियों, झारखंड दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत पीएम जय की शुरुआत का साक्षी रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से ये योजना आज पूरे देश में लाखों गरीब परिवारों को बीमारी से मुक्ति दे रही है। इस योजना का लाभ झारखंड को भी हुआ है। यहां के 57,000 लोगों का गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज किया जा चुका है। हाल में मीडिया में मैंने देखा कि जमशेदपुर में आयुष्मान योजना की मदद से देश में ट्यूमर का दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया गया है। मैं थोड़ी देर बाद रांची में इसी योजना के अनेक लाभार्थियों से मिलकर के उनके अनुभव की बातें सुनने वाला हूं, उनसे बातचीत करने वाला हूं। साथियों, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। देवघर में एम्स के बाद आज 3 जिले दुमका, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। सिर्फ 3 साल पहले की स्थिति ये थी कि झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज थे, अब आज देखिए एक ही दिन में 3 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों से युवाओं को यहीं पर मेडिकल पढ़ाई का विकल्प तो मिलेगा ही, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होगी। इसके साथ ही हजारीबाग, दुमका, पलामू और जमशेदपुर में 500 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों का भी शिलान्यास किया गया है। भाई और बहनों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध पीने के पानी से है, स्वच्छता से है। झारखंड में पीने का स्वच्छ पानी सुलभ कराने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की लागत से एक दो नहीं 350 परियोजनाओं पर काम किया है। ऐसे ही 11 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास अभी कुछ पल पहले ही मुझे करने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, आज यहां सिंचाई से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट इसकी भी शुरुआत हुई है। इनका पूरे होने पर हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़, पलामू, गोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम की हजारों हेक्टर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जा सकेगी। पिछली बार जब मैं पलामू गया था तो दशकों से लटके मंडल डैम और उत्तर कोयल परियोजना पर भी काम शुरू किया था। ये सारे प्रोजेक्ट यहां के किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं। साथियों, झारखंड की सरकार केंद्र सरकार के बीच से लेकर बाजार तक के अभियान को जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। आज किसान परिवारों को
स्मार्टफोन देने की योजना की शुरुआत की गई, कुछ किसानों को चेक भी सौंपे गए हैं। इस योजना से प्रदेश के 27 लाख किसानों को फायदा होगा। इस स्मार्टफोन की वजह से अब किसानों को फसल बिक्री से जुड़े डिजिटल लेन देन में आसानी होगी। वो मौसम का हाल फोन पर देख पाएंगे, खेती की नई तकनीकों के बारे में जान पाएंगे और साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी सीधे जुड़ पाएंगे। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार, किसानों को, गरीबों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना ये हमारा ध्येय है। यही कारण है कि चाहे राशन हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, हर सरकारी मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। हाल में इस अभियान को विस्तार देते हुए छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर आई है। इसके तहत ऐसे किसानों को जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, उनको सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार किसानों के बैंक खाते में जमा करेगी। इस राशि से उन्हें समय पर बीज खरीदने, दवा खरीदने, खाद खरीदने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और उनको साहूकारों के घर बहुत ऊंचे ब्याज से पैसे लेने की नौबत से मुक्ति मिल जाएगी। इससे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा तो झारखंड के 22 लाख किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए केंद्र सरकार गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, शोषितों, आदिवासियों, महिलाओं, नौजवानों, हर वर्ग को सशक्त करने में जुटी है। इसी सोच के तहत आज 2 बड़े शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें एक महिलाओं से जुड़ा है और दूसरा हमारे आदिवासी समाज से। रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ है। वहीं हजारीबाग की आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का शिलान्यास किया गया है। साथियों, झारखंड महिला सशक्तिकरण मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि ने गणतंत्र दिवस की परेड में बाइक पर जो हुनर दिखाया, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। रामगढ़ का महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कैप्टन शिखा सुरभि जैसी अनेक बेटियां देश को देने वाला है, जो नए भारत के नए संस्कारों का सृजन करेगी। ये पूर्वी भारत में पहला और देश का तीसरा कॉलेज है जहां सिर्फ बेटियां ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार
आदिवासी समाज को शिक्षा और कौशल से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, आदिवासी समाज के युवा साथियों को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज के बनने से यहां के समाज और संस्कृति को विस्तार से जानने और आने वाली पीढ़ियों तक समाज के संस्कारों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार झारखंड सहित देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। झारखंड में ऐसे करीब 2 दर्जन स्कूल शुरू हो चुके हैं और 70 नए स्कूल खोलने पर काम चल रहा है। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में स्पोर्ट्स की सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है ताकि हमारे जनजातीय युवा खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। झारखंड ने तो तीरंदाजी समेत अनेक खेलों में देश को बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं। ऐसे में झारखंड के युवाओं की ये शक्ति आने वाले समय में और निखर कर सामने आएगी। साथियों, आज यहां बच्चों के पोषण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत स्कूलों में बच्चों को पैकेट में दूध दिया जाना है। इससे गरीब और आदिवासी समाज के बच्चों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया, इस योजना का नाम कान्हा दुग्ध योजना, यानी एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया। उस जमाने के दूध और मक्खन की बातों को याद किया। मैं आशा करूंगा कि इस कान्हा दुग्ध योजना से यहां से बच्चे ऐसे होनहार हो, ऐसे होनहार हो, पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो। केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय पोषण अभियान चला रही है उसको भी इस योजना से ताकत मिलेगी। साथियों, शिक्षा, कौशल और पोषण के साथ साथ आदिवासी नायकों को सम्मान देने के लिए आजादी के प्रति अनेक योगदान को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड में बन रहा बिरसा मुंडा संग्रहालय इसी का प्रमाण है। ये संग्रहालय महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जैसे नायक की पहचान को समृद्ध करेगा। ऐसे अनेक संग्रहालय देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद दे रही है। ये म्यूजियम हमारे आदिवासी नायकों की याद तो दिलाएंगे ही, साथ में पर्यटन के केंद्र भी बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि झारखंड ने स्वच्छता की दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। 4.5 वर्ष पहले जहां स्वच्छता का दायरा सिर्फ 20% था, वही अब झारखंड ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। रघुवर दास जी, उनकी पूरी टीम
इनके प्रशासन के सभी छोटे बड़े मुलाजिम सबको मेरी तरफ लाख लाख बधाई। रिकॉर्ड समय में 33 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, ये अपने आप में मुझे बताया गया है कि हजारीबाग का रिकॉर्ड इसमें भी सबसे बढ़िया है। यहां सबसे कम समय में सबसे अधिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, नदियों के पानी को साफ करने वाले अनेक प्रोजेक्ट्स का भी आज शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। साहिबगंज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ है, वहीं राजमहल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की आज से शुरुआत हो गई है। नमामि गंदगी प्रोजेक्ट के तहत वॉटर ट्रीटमेंट के साथ साथ घाटों के सुंदरीकरण का भी काम किया जा रहा है। मधुसूदन घाट के सुंदरीकरण का भी काम पूरा हो चुका है। ये सारे कार्य, ये परियोजनाओं इसलिए हो पा रही है क्योंकि 4.5 साल पहले आपने केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। मैं देश के विकास के लिए, देश के हर क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात जितना भी कर सकता हूं करने में कोई कभी नहीं रहने देता हूं। आपका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे, इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत